हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इन्होंने जो है अपना 2000 जून जो 2021 में एग्ज़ाम दे रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए डेट शीट का जो टेंटेटिव डेट शीट्स है वो जारी की है, लेकिन वो आप डायरेक्टली जो है नहीं खोल सकते हो। तो मैं उसका स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपका एग्ज़ाम कब है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या करना है, तो उन सब के बारे में मैं बताऊंगा आपको कब से। मैं इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि आपकी बार इग्नू जो है अपने एग्ज़ाम डेट लेट नहीं करना चाहता है, इजीलिए उसने टाइम से जो है असाइनमेंट्स के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है। और जो कोविड की वजह से ऑलरेडी जो जैसे पिछली बार दिसंबर वाले एग्ज़ाम फरवरी और मार्च में कंडक्ट हुए तो ऐसे नहीं हो सकते हैं। तो मैंने बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन के आसपास जो है एग्ज़ाम लेट हो सकते हैं, तो मैंने उसी तरीके से आपको बताया है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने अजम्पशन आपको पहले ही दे दिया था कि इग्नू ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लेट कर सकता है, ज़्यादा 2 महीने 2.5 महीने ऐसे एग्ज़ाम लेट नहीं करेगा। तो आपको कैसे अपने कोड को चेक करना है, अगर आपका ओवरलैपिंग है तो कैसे आपको उसको दूर करना है, तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पे पहले बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं वो ऑलरेडी डाउनलोड अपलोडेड की गई हैं उनकी वीडियो, MBA, BCom, BSc वगैरह के सब की और MBA की, तो आप अपनी क्लासेस ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे ओवरलैपिंग वगैरह हो रहा है इसमें। तो सबसे पहले जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो मैं बताता हूँ कि इसमें फर्स्ट पेज ये खुल के आएगा। तो इसमें बताया गया है कि जून जून 2021 की टेंटेटिव डेट शीट है। अगर आपको इसमें कोई ओवरलैपिंग हो रहा है, ओवरलैपिंग का मतलब आपके एग्ज़ाम एक ही दिन में पढ़ रहे हैं, एक ही टाइम पे दो एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं, तो आपको जो है ये जो डेट शीट 621@email इस पर आपको मेल करना है। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस दी हुई है, कंडीशन ये दी हुई है तो आपको कंफर्म कर लेना उन कंडीशंस का। अगर आपको कोई एक ही दिन पर ओवरलैपिंग हो रहा है तो आपको मेल कर देना है। लेकिन ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 6 है, नीचे दिया गया है ग्रुप 1 से लेके 6 है, अगर ये एक ही ये जो है इनमें जो है अगर सेम ग्रुप के हैं तो ग्रुप में डिवाइड किया है, तो इनमें अगर आपके मान लिया कोई बैकलॉग्स है पिछले सेमेस्टर के 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, तो वो एक डेट पे हो सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी उसमें रेस्पॉन्सिबल नहीं है, आपने उसको टाइम से क्लियर नहीं किया है, इसलिए आपके एग्ज़ाम जो है दोनों एक डेट पे पड़ गए हैं, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपने टाइम से क्लियर नहीं किया है। अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन लिया है, जैसे आपने फर्स्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन लिया है या फाइनल ईयर का रजिस्ट्रेशन लिया है, और उसमें भी आपके एग्ज़ाम जो है एक ही टाइम और एक ही डेट पर पड़ रहे हैं, तो आपको इस पर आपको मेल कर देना है, तो वो चेंज हो जाएगा। अगर आपको कोई भी इशू है तो वो कर सकते हैं। तो यही बताया है कि आपके अगर बैकलॉग्स हैं तो वो आपका इंटरटेन नहीं किया जाएगा, उसको माना नहीं जाएगा, पीछे से पेंडिंग है अगर आपके डेट एग्ज़ाम एक ही डेट पे पढ़ रहे हैं तो। लेकिन अगर आपका जेन्यून है और आपने रजिस्ट्रेशन लिया है फिर भी आपके जो है एक ही डेट पर एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं तो वो माना जाएगा। दूसरा, अगर आप जो है एक मान लिया MBA कोई मास्टर कोर्स कर रहे हैं या कोई बैचलर कोर्स कर रहे हैं, उसके साथ में कोई छोटा कोर्स कर रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, और उनके दोनों के एग्ज़ाम एक डेट पे आ जाते हैं, तो भी यूनिवर्सिटी जो है उसका रेस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि वह दोनों कोर्स अलग अलग हैं और आप किसी एक को चूज करके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये थी इसकी फर्स्ट पेज की डिटेलमेंट। फिर जब दूसरी आप खोलोगे तो इसमें जो है ये टेंटेटिव डेट शीट दे दी है जून 2021 की। जब मैंने इसमें जो है यहाँ से कोर्स सेलेक्ट किया BAG, तो फर्स्ट में ये जो कोर्स है 15 जून से इसके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो 15 जून से एग्ज़ाम शुरू हो के लास्ट जो एग्ज़ाम जा रहे हैं वो जा रहे हैं 19 जुलाई तक, तो कुल मिला के 15 जून से लगभग 19 जून जुलाई तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। सेम ऐसे ही अगर आपको अपना MBA का देखना है तो एम और पी अपना कोर्स सेलेक्ट करो, इंटर कर दो, तो आपके जो कोर्स है देखो ये जो है 15 से है, 15 जून से ही आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, और लास्ट MBA के जो एग्ज़ाम है वो 19 जून तक इवनिंग तक हो रहे हैं। सेम ऐसे ही मान लिया MEH करना है, MEH, तो MEH के जो आपके एग्ज़ाम्स है वो 2 जुलाई से शुरू हो जाएंगे और 15 जुलाई तक आपको दिया है। तो इस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम को चेक कर सकते हैं कि हमारा एग्ज़ाम किस डेट पे है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो
तो आपको क्या करना है, अब उस जो जो मैंने आपको मेल दिया है फर्स्ट वाला, अगर एक ही डेट पे आपके एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं तो डेट शीट 621@ignu.ac पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको भी कोई इश्यू आ रहा है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपके अगर एक डेट पे एग्ज़ाम हो रहे हैं या कोई और या कोई कोड आपका नहीं है। तो कुल मिला के जैसा मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, 15 डेज जो है डिले किया है एग्ज़ाम को इन्होंने, और जुलाई में 19 तक पहुंच गए हैं वो। तो इतना तो वेरिएशन होता है, अपने असाइनमेंट जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, अच्छे से लिखें और अच्छे मार्क्स पाएँ आशा करता हूँ। और जो वीडियोज़ मैंने बनाई है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर, आपके BA, BCom, MBA, MA हिस्ट्री, तो और भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू।